देश में कोरोना संक्रमण के मामले में सुधार लगातार जारी। पिछले एक दिन में 1,27,000 संक्रमण के नए मामले सामने, 54 दिनों में सबसे कम मामले हुए दर्ज। रिकवरी दर 92% से ज्यादा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंशिक अनलॉक की शुरुआत। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। जून में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के बाद वैक्सीनेशन को तेज करने की तैयारियों पर हुई चर्चा। 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को 2 करोड़ से अधिक दी गई वैक्सीन की खुराकें। स्पुतनिक वी वैक्सीन की तीसरी खेप पहुंची हैदराबाद। भारत ने ब्रिक्स का मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते ब्रिक्स देशों के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बुलाई बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार बारिश 96 से 104% के बीच होने के आसार। उत्तर पूर्व भारत में वर्षा सामान्य से नीचे और मध्य भारत में सामान्य से अधिक होने की संभावना। और खेलों की दुनिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। 19 सदस्यीय दल ने जीता अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य समेत 15 पदक। जापान के टेनिस स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने मीडिया इंटरेक्शन विवाद पर फ्रेंच ओपन से अपना नाम लिया वापस। जापान के इस खिलाड़ी ने मानसिक तनाव को बताया टूर्नामेंट से हटने की वजह। अर्जेंटीना में बढ़ते कोविड के मामलों के बाद कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा ब्राजील। दक्षिण अमेरिका फुटबॉल एसोसिएशन ने की इस बात की घोषणा। और अब बात ताजा खबर की। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,27,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 54 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,55,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर देश में 92% से ज्यादा हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 18,95,520 है। सक्रिय मामले 43 दिनों के बाद 20 लाख से नीचे दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,795 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक सकारात्मकता की जो दर है वो वर्तमान में 8.64% दर्ज की गई है और दैनिक सकारात्मकता की दर 6.62% दर्ज की गई है, जो कि लगातार 8 दिन से 10% से कम बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो लड़ाई जारी है उसके कुछ बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। सकारात्मकता दर कम हो रही है और इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, अब जो है वो धीरे धीरे संक्रमण के मामलों में सुधार देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रही है, फिर भी सावधानी बेहद ज़रूरी है। हो रहा है, हालांकि अभी भी 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं,
लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मृत्यु है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, तो एक अच्छी संकेत हम कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से उन्होंने कदम उठाए हैं, कोई लॉकडाउन लगाया है, कोई स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन बनाया है, जिसके वजह से ये मामले कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास आसपास वायरस मौजूद है, इसीलिए लोगों को और अतिरिक्त सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सावधानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे, सावधानी रखेंगे, मास्क पहनेंगे, बेवजह भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, बेवजह घर से नहीं जाएंगे और वैक्सीन लगाएंगे, तभी हम और मामलों को कम कर सकते हैं और थोड़ी सी लापरवाही एक बार फिर तीसरी लहर को जन्म दे सकती है, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा स्वास्थ्य मंत्रालय के रजनी, जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ ट्रेंड रहा, किन किन राज्यों में, किन किन शहर में, किन किन जिलों में मामले कम हो रहे हैं या मामले बढ़ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, अभी 4 बजे में विस्तार से बताया जाएगा जी। अगर कोविड संक्रमण को लेकर मृत्यु दर की बात करें नीतेंद्र, तो जहां पूरे ही देश में कम हो रही है, भाई कई राज्यों में थोड़े आंकड़े इससे अलग नजर आ रहे हैं, क्या उन राज्यों में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है? निश्चित तौर पे देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी मामले ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें साउथ के कुछ राज्य हैं, फिर हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर भी मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सतर्कता जरूरी है, लोग एहतियात बरते, खासतौर पर जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं उनको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर कोई हाई रिस्क ग्रुप के आदमी या उम्र दराज आदमी, 45 साल से अधिक उम्र का आदमी पॉजिटिव होता है, तो तुरंत वो इलाज कराएं, डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने से मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। और बहुत स्तर पे प्रयास किया जा रहा है, सरकार के स्तर पे, जिला प्रशासन की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, जो टायर 2 सिटी है, टायर 3 सिटी है, अब गाँव में भी हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी व्यवस्था किया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की अभी भी जरूरत है। मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें और हाँ, वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी बिल्कुल। और कई राज्यों में अब आंशिक रूप से लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे कई पाबंदियों में छूट दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर अब और ज़्यादा अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत हो। जी बिल्कुल, यही एक बड़ा चैलेंज है अब, क्योंकि बात हो रही तीसरी लहर की भी, तो ऐसे में धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, खुलेगा, अलग अलग राज्य अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से खोलेंगे, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम लापरवाही करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, बेवजह घर से निकलेंगे, भीड़ भाड़ में जाएंगे, पार्टी करेंगे, तो वायरस को ये सब पसंद है, वायरस को ये अच्छा लगता है, वो संक्रमित करेगा और दोबारा आपको संक्रमित करके आपके बच्चे या फिर जो लोग अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि देश की आबादी के सिर्फ 2% लोग ही अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, 98% लोग अभी भी संक्रमण के खतरे के दायरे में हैं, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पिछले दिनों देख चुके हैं कि अस्पतालों में क्या स्थिति थी, ऑक्सीजन को लेकर के क्या स्थिति थी। ऐसे में अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो वही लोग बाहर निकले जिनको जाना जरूरी है, साथ ही साथ मास्क जरूर पहने और जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं, जितना जल्दी हो सकता है वैक्सीनेशन आप कराएंगे उतनी जल्दी आप वायरस के खतरे से दूर होते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो संक्रमण के जो मामले हैं वो जरूर घटते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सावधानियां बरतना हमें छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। देश भर के कोविड के आंकड़े और राज्यों की स्थिति देखते हुए कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर अब ज्यादातर राज्यों में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच फैक्ट्रियां खुल गई हैं। दिल्ली में अनलॉक के तहत फैक्ट्रियों को खोलने और निर्माण कार्य की अनुमति मिल गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में रिकवरी दर 96.6% चल रही है और पॉजिटिविटी दर 3.4% है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 61 जिलों में सक्रिय मामले कम हो गए हैं, आज से वहां पर छूट दी जाएगी, 14 जिलों में अब भी आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.6% रह गई है, रिकवरी रेट 96% हो गई है और स्थिति तेजी से सुधर रही है।
आज से लॉकडाउन में आंशिक रूप से छूट भी दी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में जहां एक तरफ लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाया गया, तो वहीं मुंबई में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस जारी की गई नई गाइडलाइन में आंशिक रूप से पाबंदियों में छूट दी गई है। इसके अनुसार इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकेंगी। देश भर के तमाम राज्यों में आंशिक रूप से अब लॉकडाउन में छूट दी जा रही है और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास आएंगे। एक भयावह रूप दूसरी लहर का तमाम राज्यों ने देखा, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, और अब जो है वो धीरे धीरे ही आंशिक रूप से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, लेकिन सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर अनलॉक फेज वन की बात की जाए तो 15 जून तक का जो समय है उसमें अनलॉक फेज वन को रखा गया है। कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। अगर पूरे कोविड काल के दौरान ये दूसरी लहर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं उन राज्यों में रहा जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में रहे। ऐसे में मध्य प्रदेश में मृत्यु दर जो है उसको भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखा है और कई संक्रमित जो थे वो उनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे में अब जो है ये जो अनलॉक है उसे प्रदेश सरकार काफी ज्यादा अहम मान रही है कि अनलॉक अगर करती है तो ऐसे में कितनी सावधानियां रखनी है और उसी को लेकर जो गाइडलाइंस है वो कल जारी की गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ छूट दी जा रही है आपको, लेकिन कोरोना का संकट जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप लोग भी बाजारों में निकलते हैं तो कोरोना का भी एक जो वायरस है उसको भी मौका मिल रहा है आपको संक्रमित करने का। ऐसे में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको सभी लोगों को पालन करने की जरूरत है। राजधानी भोपाल के हम मार्केट में इस समय मौजूद हैं। अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पर भी शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि एकदम जो भीड़ भाड़ थी वो आप कहीं पर नजर नहीं आ रही है। लोग खुद समझने लगे हैं और लोग खुद मान रहे हैं कि जो जरूरत है उन लोगों को ही बाहर आना है, उन लोगों को ही अपनी खरीदारी करनी है। इसके अलावा कोई पिकनिक नहीं मनानी है, किसी तरीके का कोई बाहर निकलकर घूमना नहीं है उन लोगों को, जिससे कि वो कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित हो सके। तो लोगों में भी अब जो ये समझदारी है, क्योंकि ये दूसरी लहर में देखा जाए तो बहुत से लोगों ने अपने बहुत खास परिजनों को खोया है और लोगों को समझ आ रहा है कि ये जो संक्रमण इतना आसान नहीं था इससे पार पाना। बिल्कुल। और दीपक, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुंबई से योगेश भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पहले आपके पास आना चाहेंगे। सकारात्मक दर पॉजिटिविटी रेट में पूरे उत्तर प्रदेश में कमी जरूर आई है, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। किस तरीके की सावधानियों के साथ, किस तरीके की गाइडलाइंस के साथ उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खुल रहा है? आशुतोष, आशुतोष आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपने म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आशुतोष, चलिए आशुतोष के बाद दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे। और तमाम राज्यों में हम जैसा कि देख रहे हैं कि आंशिक रूप से जो है वो अब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लेकिन सावधानियां भी बरतना जरूरी है। और बात कर लेते हैं हम वैक्सीनेशन की। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 21 करोड़ 60 लाख 46 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 27 लाख 80 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। जून में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के बाद वैक्सीनेशन को तेज करने की तैयारियों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए हो रहे टीकाकरण संबंधी बहुत सी अफवाहों को रद्द कर दिया है। सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए टीकाकरण के प्रबंधन मंच कोविन की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ तथ्य फिर से बताए हैं। इनके अनुसार कोविन को देश भर में टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए एकल मंच के रूप में विकसित किया गया है।
लाभार्थियों के तय स्लॉट में टीका न लगवा पाने की वजह से जनपद टीकाधिकारियों का अनुचित नियोजन हो सकता है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे टीके की उपलब्धता के अनुसार ही टीकाकरण स्लॉट दिखाएं। कोविन अब टीकाकरण सत्र का समय पुनः निर्धारित करने की सुविधा भी दे रहा है। कोविड-19 के टीकाकरण का प्रमाण पत्र टीका लगाने वाली साइट पर जानकारी चढ़ाने से जुड़ा हुआ है। टीकाकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की वेब लिंक SMS द्वारा भेजी जा रही है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया है कि सभी टीका लाभार्थियों को उसी दिन टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी मिल जाए। नागरिकों को टीका लगवाने के बाद टीकाकरण केंद्र से निकलने से पहले पुष्टि का SMS जरूर चेक कर लेना चाहिए। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के बीच आज सुबह रूस की तरफ से एंटी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की तीसरी और सबसे बड़ी खेप हैदराबाद पहुंची। हैदराबाद के IGIA हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बिना विलंब के 56.6 मीट्रिक टन वैक्सीन की खेप को मंजूरी दी है। वैक्सीन की इस खेप के आने से देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 31 मई तक कुल 34,67,92,257 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें 31 मई को 19,25,374 नमूनों का परीक्षण किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में मिले कोरोना वायरस के स्वरूपों का ग्रीक अल्फाबेट्स के आधार पर नामकरण किया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स को देशों के नाम के साथ जोड़ने पर विवाद हो रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने SARS-CoV-2 के स्वरूपों को दो अलग अलग श्रेणी में रखा है। पहली श्रेणी में ज्यादा संक्रामक स्वरूपों को रखा गया है जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है, और दूसरी श्रेणी में ऐसे स्वरूपों को रखा गया है जो कि सामुदायिक संक्रमण को बढ़ाते हैं या कई देशों में पाए गए हैं। इन्हें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 स्वरूपों को रखा है। कोरोना वायरस के B.1.1.7 वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है। इसे पहली बार ब्रिटेन में पाया गया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को अब बीटा नाम से जाना जाएगा। इसी तरह ब्राजील में पाए गए वायरस के वेरिएंट को गामा नाम से पुकारा जाएगा और श्रेणी के आखिरी वेरिएंट को डेल्टा नाम से जाना जाएगा। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में पाया गया था। इसके अलावा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 स्वरूपों को रखा है। इसमें B.1.4.7 वेरिएंट या B.1.4.9 वेरिएंट को एप्सिलॉन नाम से जाना जाएगा। कोरोना वायरस के P.2 वेरिएंट को जेटा नाम से पुकारा जाएगा। एक और वेरिएंट B.1.5.2.5 को एटा नाम दिया गया है। वहीं P.3 वेरिएंट को थीटा नाम दिया गया है। कोरोना वायरस के एक अन्य स्वरूप B.1.5.2.6 को ईओटा नाम मिला है। B.1.6.1.7.1 वेरिएंट को कप्पा नाम दिया गया है। कोरोना के इस स्वरूप की पहचान भी सबसे पहले भारत में ही हुई थी। इन वेरिएंट्स को इंडियन कहे जाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोविड-19 की तकनीकी प्रमुख मारिया वॉन कैरफोव ने कहा है कि नए नाम मौजूदा वैज्ञानिक नामों के बदले में नहीं है, पुराने नाम महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश को कोविड के प्रकारों का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। सभी बाधाओं को पार करते हुए नए समाधान खोजने के लिए भारतीय रेलवे देश भर के विभिन्न राज्यों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन LMO पहुंचाकर राहत प्रदान करने की अपनी यात्रा को जारी रखे हुए है। अब तक भारतीय रेलवे ने देश भर के विभिन्न राज्यों में 1,304 से ज्यादा टैंकरों में 21,939 मीट्रिक टन से ज्यादा की तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। उल्लेखनीय है कि 321 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अब तक अपनी यात्रा पूरी कर विभिन्न राज्यों को राहत प्रदान की है। इसमें दिल्ली NCR क्षेत्र को ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा 7,500 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अब तक 15 राज्यों को राहत प्रदान की है। गौरतलब है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 37 दिन पहले 24 अप्रैल को महाराष्ट्र में 126 मीट्रिक टन के साथ अपनी आपूर्ति शुरू की थी। ये भारतीय रेलवे का प्रयास है कि अनुरोधकर्ता राज्यों को यथासंभव कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। महाराष्ट्र में 614 मीट्रिक टन, यूपी में लगभग 3,799 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 656 मीट्रिक टन, हरियाणा में 2,034 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित कोविड की 2DG दवा के इस्तेमाल को लेकर DRDO ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। दवा के इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। DRDO द्वारा जारी दिशा निर्देशों में बताया गया है कि ये दवा किस प्रकार के मरीजों को दी जा सकती है। DRDO ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 750 LPM क्षमता वाला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र कामयाबी के साथ शुरू हो गया है। ये प्लांट राजकीय मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में स्थापित किया गया है। डोडा के उपायुक्त विकास शर्मा ने बताया कि संयंत्र के शुरू हो जाने से जनपद में ऑक्सीजन उपलब्धता की क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ज़िले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, फिर भी और अधिक संसाधन तैयार करने के तहत डोडा, भदरवाह और गंडोह में अतिरिक्त संयंत्र स्थापित करने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा रूपरेखा बनाई गई है। उन्होंने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के दुर्गापुर में स्थित संयंत्र में एक विशाल कोविड केयर केंद्र तैयार किया गया है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से क्षेत्र में कोरोना संबंधी चिकित्सकीय ढांचे में बेहतरी आएगी और इलाके के लोगों को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि 200 बिस्तरों वाले इस सेंटर में गैसीय ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सभी उपकरण लगाए गए हैं। ये गैस संयंत्र से सीधे पाइपलाइन द्वारा यहाँ पहुँचाई जाएगी ताकि मरीजों को इसकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। 2 मंजिला इमारत में बने इस केंद्र में सभी जरूरी मेडिकल उपकरण और सुविधाएं मुहैया हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग GT रोड के पास स्थित होने की वजह से आसपास के लोगों के लिए यहां पहुंचना और भी आसान होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन दिए जाने सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की है। आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा सरकार कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इसी पर बातचीत करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की पेंशन योजना को उनके लिए भी विस्तारित किया जा रहा है जिनकी मौत महामारी से हुई है। ऐसे पीड़ितों के परिवार के आश्रित सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन मिलेगी। साथ ही एम्प्लाइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस योजना के तहत बीमा फायदों का विस्तार किए जाने से उन कर्मचारियों के परिवारों को फायदा भी मिलेगा जिन्होंने महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। मार्च 2020 के बाद से कभी भी किसी की मृत्यु कोरोना के उसमें हुई हो तो उसको उसके परिवार को 90% जो उसकी इनकम थी, वो सपोज पत्नी है तो पत्नी की उम्र तक जब तक वो जीवित है तब तक उसको ये वो उसकी पत्नी या उसकी माता या जो बच्चे हैं उनको ये मिलता रहेगा। EDLI करके एक योजना है, कोरोना में किसी की भी मृत्यु हुई होगी तो उनको 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक की रकम लमसम के रूप में एक साथ प्राप्त होगी। उन्होंने आगे ये कहा कि सरकार की कोशिश है कि ऐसे मामलों में कम से कम कागजी कार्रवाई हो। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी अगर उसको 1 महीने के अंदर अगर उसकी जो है मृत्यु हुई तो वो अगर अपने कागज़ उसके जो है उसके जो फैमिली वाले या जो भी डिपेंडेंट है वो बाद में कागज़ लाते हैं तो उसकी छानबीन करके हम उस केस में भी ये 90% उनको देने को तैयार हैं।
अब जैसे पेंशन की योजना है, इसमें हमने टाइम लिमिट यही रखी है कि केवल आप डेथ सर्टिफिकेट लाएंगे और आप उसके अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, 3 महीने आपका पैसा भुगतान होना चाहिए, तो इसके बियॉन्ड हम और कोई कागज़ आपका नहीं मांगेंगे। डेथ सर्टिफिकेट में कोविड लिखा हुआ है और 15 दिन के अंदर आपकी पेंशन दे दी जाएगी। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून यानी जून से सितंबर माह की वर्षा सामान्य होने की संभावना है। देश के लिए मानसून की वर्षा दीर्घ अवधि औसत के 101% होने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में वर्षा सामान्य से नीचे और मध्य भारत में सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मानसून मूल क्षेत्रों में यानी जो देश में वर्षा निर्भर कृषि क्षेत्र से युक्त हैं, वहां जून से सितंबर माह में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मानसून के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि विभाग जून 2021 के अंतिम सप्ताह में जुलाई की बारिश का पूर्वानुमान जारी करेगा। When I say normal, rainfall is 96 to 104% of the long period average, and long period average is 88 centimeters. Specifically, we told that rainfall will be 98% of the long period average, plus minus 5%. And also, we provide the spatial distribution rainfall, which is shown on the left hand side here in the diagram. You will find that most parts of the country also we expected that it will have normal to normal rainfall, except east and northeast India, some parts where we expected the probability of below normal rainfall. A rainfall for the country as a whole, when I say normal, rainfall is 96 to 104% of the long period average, and long period average is 88 centimeters. Specifically, we told that rainfall will be 98% of the long period average, plus minus 5%. And also, we provide the spatial distribution rainfall, which is shown on the left-hand side here in the diagram. You will find that most parts of the country also we expected that it will have normal to normal rainfall, except east and northeast India, some parts where we expected the probability of below normal rainfall. For northwest India, we are expecting 92 to 108%, that is normal rainfall for northwest India, and forecast probability for this category is 41%. For central India, we are also expecting above normal rainfall activity, more than 106%, and probability is 39%. और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता तापस भट्टाचार्य से। तापस, सामान्य रहने वाला है मानसून, अगर मौसम विभाग की अनुमान की बात करें, पिछले कुछ सालों से देश में अच्छी बारिश देखने को मिली है, इस बार का अनुमान क्या कह रहा है, क्या कोई चिंता की बात है? जी, आपने बहुत सही कहा कि पिछले कुछ सालों से अगर हम नोट करें तो सामान्य जो मानसून का जो लॉन्ग एवरेज पीरियड एवरेज निकालता है वो सामान्य मानसून कहा जाता है, और इस बार भी उसी की आशंका है कि इस बार भी सामान्य मानसून रहेगा। इनफैक्ट जो LPA रखा गया वो 96 से 404% रखा गया है, जो एक तरह से नॉर्मल रहता है। 4% का मॉडल एरर इसमें ज़रूर रखा जाता है, 4% का, लेकिन अभी तक जो अभी कहा गया है कि ये जो मानसून है पूरे भारतवर्ष में नॉर्मल रह सकता है। दो अहम चीज़ें इसमें, इसको भी अगर हम चार भागों में बांटे, खासतौर से नॉर्थ वेस्ट और साउदर्न पेनिनसुला, मतलब साउथ के साइड और नॉर्थ वेस्ट साइड, तो यहाँ पे जो मानसून है वो एकदम सामान्य रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में सामान्य से थोड़ा कम बारिश होने की संभावना है, खासतौर से कश्मीर और लेह लद्दाख का एरिया अगर बात करें वहाँ पे, और जो सेंट्रल पेनिनसुला जहाँ पे MP और आसपास के जो जगह है उन पे अगर बात करें सेंट्रल इंडिया की, तो वहाँ पे IMD का मानना है कि मानसून जो है जो बारिश का जो वो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इनफैक्ट अबव मानसून की प्रडिक्शन है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरा ओवरऑल अगर इसको पूरा लेके चले तो जो चीज़ नज़र आती है कि इस साल भी नॉर्मल मानसून की आशंका है, और
एमडीज पे पूरी निगरानी रख रहा है, क्योंकि इसके बाद भी जो अगला जुलाई का जो मानसून का जो टाइम आएगा वो जून के एंड में, मतलब जून महीने के अंत में एमडीज के प्रेडिक्शन का लेके आएगी, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देगी और तब तक और भी जो तस्वीर है वो और साफ हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत सारे दूसरे पैमाने भी काम कर रहे हैं, खासतौर से ओशियंस पे, महासागर पे जो न्यूट्रल एनसो और आईओडी की बात हो रही है उसको लेके भी बहुत चर्चा चल रही है कि क्या उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो जो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे और जो पैरामीटर्स हैं वो तब तक क्लियर हो पाते होंगे जब नेक्स्ट अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमडी जून में जो जुलाई का जो अगला प्रोडक्शन करेगी उसमें ये सारी बातें क्लियर होगी। लेकिन अभी तक आईएमडी का ये मानना है और ये खुशखबरी होगी भारत के जो जो किसान हैं उनके लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान आज भी मानसून पे निर्भर रहते हैं अपनी किसान अपने किसानी के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये राहत की बात है। जी तापस, लेकिन उन क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना बताई गई है जहां पर कृषि की संभावना ज़्यादा है, या देश जिन क्षेत्रों पर कृषि आधारित है वहां पर अच्छी बारिश की संभावना ने कहीं ना कहीं किसानों को एक खुशी की लहर दी हो। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी जैसे हम कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक किसान जो एग्रीकल्चर है उस पर बेस्ड है, तो जो जो आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि जो जगह हैं देश में जो खासतौर से एग्रीकल्चर ज़्यादातर निर्भर होते हैं किसानी पे और किसानों पे ज़्यादा, किसान जो मानसून को लेके चलते हैं, तो उन जगहों पे मानसून जो है इस बार एक बार फिर कहें तो नॉर्मल आएगा और 3 तारीख से केरला में ये मानसून दस्तक देगा, तो सारे जितने किसान हैं वो उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं और एक तरह से ये बहुत अच्छी ये जो प्रेडिक्शन है ये हर जगह के लिए अलग प्रेडिक्शन दी गई है कि ये जो 4 अलग अलग सेंटर्स हैं उन जगह पे, तो ये एक तरह से बताता है एक बार फिर कि किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इस बार भी मानसून नॉर्मल रहेगा और उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया तापस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी मिल गई है। आबकारी संशोधन नियम 2021 के अनुसार L13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मीडिया प्राइम में आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज ब्रिक्स देशों के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते ये बैठक बुलाई है। ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंका, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ और चीन के विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री ग्रेस नेलेदी मेंडिसा पेंट्रोल के बैठक में भाग लेने की संभावना है। और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या अहम मुद्दे इस वार्ता में, इस बैठक में सामने आने वाले हैं? देखिए रचि, ये मुख्य रूप से जो एशियाई देश हैं और दो अफ्रीका और ब्राजील, ये पांच देशों का एक समूह है। और इसमें जो दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज की तारीख में, तो निश्चित रूप से कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि इससे निपटने में इस संस्था की क्या भूमिका हो, या ये पांचों देश क्या कुछ मिलकर एक साथ कर सकते हैं जिससे कि अपने इस क्षेत्र के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी वो इस बीमारी को कम करने में क्या कुछ योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा भारत ने जो दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, उसमें से एक है टेररिज्म का मुद्दा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेररिज्म को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए, किस प्रकार से उस पर रोक लगाई जाए और सारे देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ क्या कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से भारत का इशारा पाकिस्तान की तरफ होता है और चीन जो कि पाकिस्तान का बहुत ही क्लोज अलाय है, और इसलिए ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब इस मंच पर इस बारे में बात होगी तो निश्चित रूप से एक कहे तो व्हील यानी मतलब संदेश निश्चित रूप से होगा कि चीन अगर पाकिस्तान के साथ है, उसकी दोस्ती है, तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उस पर अपना रवैया स्पष्ट करे और पाकिस्तान के प्रभाव में रखे। उसके अलावा भारत मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुपक्षीय संस्थाएं जो बहुत सारी हैं, चाहे WHO हो, संयुक्त राष्ट्र हो, इन सब में एक व्यापक सुधार की भी वकालत करता रहा है ताकि जो नए समयकरण है, नए जो राजनीतिक स्थितियां बनी है, नए अर्थव्यवस्थाएं उभरी हैं, उनको भी एक व्यापक प्रतिनिधित्व मिल पाए इन सभी संस्थाओं में। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जो भारत की तरफ से रहेंगे इस मीटिंग के दरमियान। बिल्कुल, और ब्रिक्स जो देश हैं, कहीं ना कहीं उन सभी देशों ने पेंडेमिक में महामारी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं का उतार देखा है, जूझे हैं वहाँ के लोग बेरोजगारी से और कई तरीके की आर्थिक जो समस्याएं हैं उन देशों ने उसका सामना किया है, कहीं ना कहीं उनको भी उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की भी कोशिश होगी। जरूर रजनी, और इस समस्याओं के समाधान में बता दें कि ये जो पूरा ब्रिक्स का जो पांच देश है, इनकी जो पूरी पॉपुलेशन है, दुनिया की करीब 41% आबादी इन पांच देशों में है, दुनिया का करीब 24% जो GDP है वो इन पांच देशों के पास है और 16% जो ग्लोबल ट्रेड है वो इन पांच देशों के अधीन आता है। आज की तारीख में कोरोना से लड़ने के दरमियान जो बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं उसमें से जो ज्यादातर वैक्सीन है इन तीन देशों में बन रही हैं, चाहे हम रूस की स्पुतनिक की बात करें, चाहे चीन की जो वैक्सीन है सिनोफार्म उसकी बात करें, या भारत की वैक्सीनेशन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो इन तीन देशों ने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में कोविड के खिलाफ। उसको और कैसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पर वैक्सीन का खुद उत्पादन नहीं हो पा रहा उन देशों तक ये पहुंच कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ आर्थिक पैरामीटर्स होंगे इसके, आपस के परस्पर व्यापार को बदलती आर्थिक स्थिति में आपस के जो आर्थिक संसाधन है उनको कैसे शेयर करें, कैसे व्यापार को विस्तार से बढ़ाएं ताकि जो GDP में तो कमी आई है पिछले एक डेढ़ साल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उसको किस तरीके से संभाला जा सके और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ये सब व्यापक विचार विमर्श के मुद्दे रहेंगे आज की बैठक। बिल्कुल, स्वास्थ्य का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है महामारी के बाद के दुनिया में, और ये जो तमाम देश हैं सेहत के मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती इन तमाम देशों ने कहीं ना कहीं उसका सामना किया है, ऐसे में कैसे आगे क्या रणनीति हो सेहत के मोर्चे पर, इस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, और ये चार देश जैसा कि हमने बताया कि 41% दुनिया की आबादी इन पांच देशों में रहती है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, रूस और चीन, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पांचों देशों में दुनिया का बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि अगर कोविड पैंडेमिक का जिस तरह से हमने देखा कि भारत में भी दूसरी लहर में किस प्रकार से हमारी जो मौजूदा जो स्वास्थ्य सुविधा है उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, कई जगह उसका नुकसान भी हुआ और जो ह्यूमन कैजुअलिटी है उसके फॉर्म में वो चीज सामने आई कि कई जगह उन लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पाया, तो आने वाले दिनों में ये पैंडेमिक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो किस प्रकार से स्वास्थ्य की बेहतर संरचना पर काम कर सकते हैं ये सारे देश, ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं के उत्पादन को हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे हम ड्रग्स की बात करते हैं, भारत बेशक वैक्सीन निर्माता है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, करीब 60% वैक्सीन यहाँ पर बनती है, लेकिन वैक्सीन को बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो कई देशों से भारत को लाया जाता है। जो अभी हमने देखा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के उत्पादन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में जिरकोनियम एक तत्व होता है, उसकी मात्रा भारत में पर्याप्त नहीं है, उसे दूसरे देशों से लाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से एक कलेक्टिव कोलैबोरेशन की जरूरत है दुनिया के सभी देशों के बीच में, ताकि जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम छोटे से बड़े अवयव जो भी हो स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े हुए, उनको अभी प्राथमिकता के तौर पर स्ट्रीमलाइन किया जाए, और जहां भी किसी भी चीज की जरूरत हो उसे तत्काल कैसे जल्दी जल्दी पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती है, और निश्चित रूप से स्वास्थ्य के साथ ही जो आर्थिक स्थिति दुनिया के अलग अलग देशों की, वो एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब पांचों विदेश मंत्री आज चर्चा करेंगे तो ये प्रमुख मुद्दों में से शामिल रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इसका तमाम जानकारी। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 17,14,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 35,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 15,37,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,41,00,000 से ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6,00,000 से ज़्यादा है। ब्राज़ील में कोरोना संक्रमण के मामले 1,65,00,000 से ज़्यादा हो गए हैं। तुर्की में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के मद्देनजर आज से कोरोना पाबंदियों में और ढील दी जा रही है। कोरोना पाबंदियों में ढील के तहत लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाने के अलावा सीमित संख्या में लोगों के लिए रेस्तरां खोला जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस नए नियमों के 1 जून से प्रभावी होने की घोषणा की है। इसके तहत
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक पेरू सरकार की समीक्षा के बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 गुना बढ़कर लगभग 1,80,764 तक हो गई है। पेरू लैटिन अमेरिकी देशों में कोविड से बुरी तरह प्रभावित देशों की सूची में रहा है। पेरू के अस्पतालों में मरीजों की अधिक संख्या और ऑक्सीजन की अधिक मांग बनी हुई है। विशेषज्ञ पहले से ही सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की वास्तविक संख्या छुपाने का आरोप लगा रहे थे। सरकार द्वारा समीक्षा के बाद मरने वालों की संख्या लगभग 3 गुना तक बढ़ गई है। रविवार को देश में मृतकों की संख्या 69,342 बताई गई थी, लेकिन समीक्षा के बाद यह 1,80,000 से भी ज्यादा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान कई अघोषित स्थलों पर पाए गए यूरेनियम के कणों के बारे में बताने में विफल रहा है। इस रिपोर्ट के बाद ईरान और पश्चिमी देशों के बीच ताजा राजनयिक संघर्ष की संभावना है, जिससे कि चल रही नाभिकीय वार्ता पर असर हो सकता है। 3 महीने पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने यूरेनियम के कणों के बारे में समझाने के लिए पूरी तरह से विफल रहने के लिए ईरान की आलोचना करने के लिए परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए अमेरिका समर्थित योजना को रद्द कर दिया था। तीनों यूरोपीय देश आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉसी की ईरान के साथ ताजा वार्ता की घोषणा के बाद पीछे हट गए थे। अब तीनों देशों पर निर्भर करता है कि वे ईरान की आलोचना वाले प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेते हैं, जिससे कि 2015 के ईरान परमाणु संधि से संबंधित वियना में चल रही वार्ता पर असर पड़ सकता है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की अपने यूरोपीय सहयोगियों की जासूसी करने की खबरों के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अपने सहयोगियों की इस तरह जासूसी करना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी इस मसले पर पूरी स्पष्टता चाहते हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ वर्चुअल सम्मेलन के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि अपने अमेरिकी और डेनमार्क सहयोगियों से वे पूर्व में घटी हुई घटना से संबंधित सभी सूचना चाहते हैं। डेनमार्क के राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता के अनुसार अमेरिका की एनएसए ने डेनमार्क के विदेशी खुफिया इकाई के साथ मिलकर 2012 से लेकर 2014 तक जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल सहित पड़ोसी देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की जासूसी की थी। आइसलैंड के रेकियनीस प्रायद्वीप में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का अद्भुत नजारा कैद करने में एक ड्रोन कामयाब रहा, लेकिन ज्वालामुखी के क्रेटर से निकलते लावा का एकदम नजदीक से वीडियो बनाने के वक्त ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लावा से निकलती गर्मी के कारण ड्रोन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन इससे पहले ड्रोन ने काफी नजदीक से ज्वालामुखी से निकलते हुए आग के दरिया को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। रेकियनीस प्रायद्वीप पर स्थित ज्वालामुखी में कई सालों के बाद मार्च में विस्फोट हुआ था। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। भारतीय मुक्केबाज संजीत ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में संजीत ने 3 बार के एशियन चैंपियन और रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के मुक्केबाज वासिली लेविट को हराया। वहीं अमित पंघाल को 52 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। खिताबी मुकाबले में उन्हें रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज जोइरो शाखोबिदीन ने 3-2 से हराया। शिवा थापा को भी 64 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें मंगोलिया के बतारसुक चिन जोरिक ने 3-2 से हराया।
हम यहाँ दुबई में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए आए थे और यहाँ मैंने गोल्ड मेडल जीता है और यहाँ मैंने फाइनल्स में कजाक के ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया है और ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट है इंजरी के बाद, मेजर इंजरी के बाद, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट को हराया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ साई का, BFI का, आर्मी का और JSW का। दुनिया की नंबर दो महिला टेनिस खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। ओसाका ने मानसिक तनाव को इसकी वजह बताया। ओसाका ने ट्वीट के जरिए बताया कि वे साल 2018 में हुए US ओपन से ही डिप्रेशन से लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। ओसाका रविवार को पहले दौर में मिली जीत के बाद विवादों में आ गई थी, जब मैच के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की थी। इसके चलते उन पर $15,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। साथ ही चारों ग्रैंड स्लैम के आयोजकों द्वारा उन्हें चेतावनी भी मिली थी कि अगर वो दोबारा ऐसा करती हैं तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर भी किया जा सकता है। नाओमी ओसाका के फ्रेंच ओपन से हटने के बाद टूर्नामेंट के आयोजक फ्रेंच टेनिस संघ ने उनके हटने को दुखद बताया। संघ के अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि ओसाका अगले साल फिर वापसी करेंगी। First and foremost, we are sorry and sad for Naomi Osaka. The outcome of Naomi withdrawing from Roland Garros is unfortunate. We wish her the best and the quickest possible recovery. And we look forward to having Naomi in our tournament next year. As all the Grand Slams, the WTA, the ATA, the ATP and the ITF, we remain very committed to all athletes' well-being and to continually improving every aspect of players' experience in our tournament, including with the media, like we have always strived to do. टेनिस और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों ने ओसाका के साथ समर्थन जताया है। वीनस विलियम्स ने कहा कि ओसाका हमें आप पर गर्व है। वहीं बिली जीन किंग ने एक बार फिर मानसिक सेहत की ओर ध्यान देने की बात कही। जापान के लोगों ने नाओमी ओसाका के फ्रेंच ओपन से हटने पर आश्चर्य और सहानुभूति जताई है। अर्जेंटीना से कोपा अमेरिका फुटबॉल की मेजबानी छीनने के बाद ब्राजील को टूर्नामेंट का नया मेजबान बनाया गया है। दक्षिण अमेरिका फुटबॉल संघ कॉनमेबॉल ने सोमवार को यह घोषणा की। अर्जेंटीना में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण उससे मेजबानी छीनी गई है। राष्ट्रपति इवान डुक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण कोलंबिया को भी 20 मई को सह मेजबानी से हटा दिया गया था। प्रतियोगिता के आयोजकों ने कहा कि टूर्नामेंट 13 जून से 10 जुलाई के बीच खेला जाएगा। ब्राजील गत चैंपियन है जिसने 2019 में यह खिताब जीता था। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन के महिला एकल के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मुकाबले में सेरेना ने रोमानिया की इरीना कैमिलिया बेगू को 7-6, 6-2 से मात दी। लंबे समय बाद वापसी कर रहे पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी रोजर फेडरर ने भी पहले दौर की बाधा पार कर ली है। उन्होंने उज्बेकिस्तान के रेनिस स्टोमिन को 6-2, 6-4, 6-3 से हराया। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ ट्राइब की। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। आप और हम मानसिक रूप से भी महामारी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अपने अपने शरीर के साथ साथ मन को भी तंदुरुस्त रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बल्टाना का एक परिवार इस महामारी के समय में लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। देखिए डीडी न्यूज चंडीगढ़ की एक खास रिपोर्ट। मन जीते जग जीत, ये कहावत तो अक्सर हमने सुनी होगी और आज इसी कहावत को एक परिवार सच करने में जुटा हुआ है।
बल्टाना स्थित 32 वर्षीय राहुल गुप्ता और उनका परिवार इस महामारी की घड़ी में लोगों को क्लासिकल डांस और अन्य नृत्यों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है। पेशे से फ्रीलांस डांस डायरेक्टर राहुल बताते हैं कि किसी भी प्रकार से किया गया नृत्य और कला इंसान को हर प्रकार के रोगों से दूर रखने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोरोना के समय में वो ऑनलाइन घर से ही बच्चों और अन्य लोगों को डांस सिखाते हैं और साथ ही डांस के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में भी जानकारी देते हैं। भरतनाट्यम एक ऐसा फॉर्म है कि जिसको करने से हमारा मानसिक और शारीरिक पूरी तरह से विकास हो जाता है। इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी का जो हमारा विकास हो जाता है, बिकॉज हमारे पैरों के अंदर, हमारे हाथों के अंदर जो हमारी बॉडी के सारे पॉइंट्स होते हैं, जब हम पैरों को और हाथों को जमीन पर जब उसको मारते हैं और नृत्य करते हैं, तो पूरे के पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर रक्त प्रचार रक्त का होता है, वो प्रॉपर सिस्टम चालू हो जाता है, तो किसी तरह की बीमारी नहीं होती। राहुल ने अपना एक अनुभव साझा करते हुए एक महिला का जिक्र किया जो कोरोना से संक्रमित हो गई थी और निराश भी होने लगी थी। ऐसे में उन्होंने उसे डांस के माध्यम से एक उम्मीद की किरण दिखाई। फिलहाल राहुल अपने 9 साल के बच्चे और अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर देश विदेश में लोगों को वर्चुअल माध्यम से डांस तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही इसका शरीर पर पड़ने वाले मानसिक और शारीरिक लाभों के बारे में भी बता रहे हैं। तो मीडिया प्राइम के संक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, मास्क लगाकर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। असल जिंदगी के सुपर हीरोज से, जो कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में भी रखते हैं दूसरों की मदद करने का हौसला। कोविड 19 महामारी के खिलाफ जंग जारी है, ऐसे में हर एक संस्था अपना पूरा योगदान देने को तैयार है। कोरोना से जंग जीतेंगे हम। देखिए हर शाम 6:30 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, निहाओ, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत। मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, मा हिंदी हस्ती, मुंग हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय, आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें, हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें,
मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहें।